Hi guys, welcome to my channel. My name is Anuj Jindal and today we are going to talk about the newly released NTA public notice. So public notice recently released kiya hai National Testing Agency ne for the upcoming UGC examination which is supposed to be held in June 2019. First March ko ye particular notice aaya hai, first March ko ye release kiya gaya hai. और इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए हमको, एंड वील बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स वन बाय वन. आज हम लोग देखेंगे कि इस नोटिस में मेन जो बात की गई है वो क्या की गई है, द चेंजेस और द टाइम पीरियड दैट हैज़ बीन गिवन इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. अगर आप लोग जून 2019 में नेट एग्जामिनेशन या JRF एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये बताया गया है इसमें ब्रीफली. इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया गया है विच इज़ वेरी लॉन्ग, मोर देन 50 पेजेस लॉन्ग ऑफ बुलेटिन. उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके आपको एक एक करके चीज़ें बताएंगे क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना ज़रूरी है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट मिस आउट ऑन द टाइमलाइन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. तो ये देखते हैं हम इस वीडियो में कि क्या क्या टाइमलाइन बताया गया है. सबसे पहले ये बताया गया है कि 1 मार्च 2019 को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है. सो इफ़ यू वांट टू अपीयर इन UGC नेट ऑन इन June 2019, 1 मार्च से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन योर रेस्पेक्टिव पेपर. जो भी आपका पेपर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट इज़ द लास्ट डेट? द लास्ट डेट इज़ 30th मार्च. अगर आपने ये डेट मिस कर दी देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर द अपकमिंग एग्जाम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 30th मार्च लास्ट डेट है और 1 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट टू पे द फीस. तो अगर आपने 30th मार्च को अप्लाई किया तो 1 अप्रैल को, अगर 30th मार्च को पे नहीं कर पाते हैं तो 1 अप्रैल तक पे कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट फिल द फॉर्म ऑन 1 अप्रैल. 30th मार्च इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड चीज़, 20th जून से 28th जून तक एग्ज़ाम होगा. आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी कि आप कब एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, कोई भी एक डेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उस डेट को आके आपको एग्ज़ाम लिखना है. एग्ज़ाम किस तरह से होता है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं पैटर्न में, जिसके ऊपर भी बहुत सारी हम लोग वीडियोस बनाएंगे वेरी शॉर्टली. एंड व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, ये डिस्कस कर लें. तो जो NTA ने बताया है, टोटल 2 पेपर्स होंगे. पहले 3 पेपर्स हुआ करते थे बट सिंस दिसंबर 2018 2 पेपर्स कर दिए गए हैं. फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स विच विल हैव 50 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. नो नेगेटिव मार्किंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट योर एग्जाम एज सून एज पॉसिबल. सेकेंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है विद 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच अगेन एंड नो नेगेटिव मार्किंग. दोनों पेपर्स कंबाइंड 3 घंटे के होंगे, 3 आवर्स. यू विल गेट ईदर द मॉर्निंग शिफ्ट और द आफ्टरनून शिफ्ट, और इसमें कोई ब्रेक नहीं है. इन दीज 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट बोथ द पेपर्स टुगेदर. इस तरह से नहीं है कि आप पहले पेपर 1 करें उसके बाद एक आपको आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा फिर पेपर 2 करेंगे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नाउ द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड विदाउट एनी ब्रेक. पहले ब्रेक हुआ करता था बट अब वो हटा दिया गया है. सो नाउ देर विल बी नो ब्रेक. तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप मॉक टेस्ट लिखेंगे उसमें भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटे 3 आवर्स इन 1 स्ट्रेच यू हैव टू गेट यूज टू सिटिंग लाइक दैट. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद थक जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सिटिंग इन 1 स्ट्रेच एंड राइटिंग टेकिंग द एग्जामिनेशन. सो योर मॉक्स ऑल्सो हैव टू बी डन लाइक दैट. सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैंशन की गई है और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन था, एंड आई बी क्लैरिफाइंग दैट इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से NTA करेगा. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का उसने पूरा प्रोसीजर, पूरा मेथडोलॉजी एक्सप्लेन की है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में. सो यू कैन गो एंड रीड दैट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. बट टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से NTA कैरी आउट करेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप जिस भी शिफ्ट में हो यू विल नॉट बी लूजिंग आउट whether the examination, whether your particular shift exam is tough or it's easy, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. So the dates are important, 1 मार्च to 30th मार्च, 20th जून to 28th जून exam होगा. 30th मार्च से पहले पहले आपको भरना है. फॉर जनरल कैंडिडेट्स द फीस इज 800 एंड फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स इट इज़ 400. एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नया सेक्शन ऐड किया गया है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी एडवांटेज्ड
और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी यूजिंग दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो एक नया कैटेगरी बनाया गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो है क्या. वो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया है बहुत डिटेल में, और मैं उसको भी डिस्कस करूँगा. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अगर आपको यूज़ करना है तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए आपको, हाउ कैन यू अप्लाई under EWS category and what all certificates do you need. All these things I'm going to discuss in the next video, where I will be talking about normalization, EWS and many other things from the information bulletin. So ye sari cheeze hum ek ek karke cover karenge, because before filling out your forms, before writing the exam, it's very important ki aap ye choti choti cheezon ka dhyan rakhein. For example, if your parents do not earn that much, let's say their income is less than 8 lakh per annum, combined income is less than 8 lakh, then they can take advantage of economically weaker section category. Ab agar aap usko miss out kar rahe hain to kya exactly aap miss out kar rahe hain ya nahi, all these things are important to be discussed, because economically weaker section category create kar di gayi hai in the upcoming examination. So it's very important that you're very clear about it before you fill out the forms. Exam fill karne ki last date, form fill karne ki last date 30th March hai. So it's important that we cover all these things before 30th March. So I'll be coming out with the video soon. Stay tuned, and you can subscribe to my channel and also click the bell icon so that you get regular notifications about these videos. So ye videos main bahut jaldi create karne wala hu about normalization as well as economically weaker sections from the information bulletin that has been provided by NTA. Till then, all the best. Take care.